और ये फर्स्ट क्लास में फर्स्ट वीडियो फर्स्ट पेज सॉरी। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन है ना, यहाँ पे बेसिक बेसिक कैलकुलेशन है, छोटे छोटे कैलकुलेशन है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बेटा। हाँ अभी ध्यान देना इस पे, मैं देखो एक सर्कल ले लिया मैंने, यहाँ पे सर्कल दिख रहा है ना आपको, और इसके लिए सर्कल में मैंने इसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब आप चाहो तो एक्सिस मान सकते हो। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, और रेडियस ऑफ सर्कल इज आर। यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट, यहाँ से ए, मैं इनके नाम लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज ए, फिर दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज डी, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है अभी। अभी कहाँ पे है, टी इक्वल्स टू जीरो पे सपोज ए पर है, और ए से ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है, समझ गए, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है बेटा, ये पार्टिकल इज रिवॉल्विंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, वापिस वहां पे आएगा। ठीक है ना, तो डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये बताना है। चार क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है, ये 90 90 डिग्री के, है ना। ओके, तो ए से बी के लिए कितना डिस्टेंस है और कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको बताना है। अभी मैं यहाँ पे सिचुएशन लिख रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक के मूवमेंट के लिए। तो ए से लेकर बी तक अगर ये पहुंच रहा है, मान लो ए से बी तक ये कितनी देर में पहुंचा, जब यहाँ पे उसने टाइम मेजर किया तो इसके लिए टाइम हो गया 10 सेकेंड। फिर यहाँ पे आएगा, ये अभी यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे जब पहुंचा तो टाइम इंटरवल, वैसे अभी टाइम इंटरवल की जरूरत नहीं है अपने को, ये हो गया 20 सेकेंड सपोज। यहाँ पे जब आया तो टी इक्वल्स टू सपोज कितना हो गया, 40 सेकेंड, और वापिस एक राउंड जब यहाँ पे आ रहा है ए पे, सो दैट इज इक्वल टू सपोज 100 सेकेंड। तो अलग अलग टाइम इंटरवल में अलग अलग क्वाड्रेंट को वो कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ए से बी के लिए डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं पोजीशन ए टू बी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। हाँ डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना, ये बताना है, डिस्टेंस फिर डिस्प्लेसमेंट, समझ गए। ओके, ए टू बी में बेटा डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, बताओ जल्दी से, ए से लेकर बी तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। ए बी आर, ए बी जो आर ए पे बी आर्क है ना, लेकिन ए बी की वैल्यू यस किसके बराबर आएगी, ए बी आर्क तो है, कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है। अगर आप इसका नाइनटी आंसर आर लिखोगे, दिस इज नाइनटी वन डिग्री बाई नाइनटी फोर आर वन बाई फोर इंटू टू पाई आर ना, अरे हाँ या ना, वन बाई फोर इंटू आस्था टू टू पाई आर, आर सो दैट कम्स आउट टू बी पाई आर अपॉन टू, इतना डिस्टेंस कवर हुआ। एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द सर एक स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट, लाइन से ज्वाइन कर देंगे एबी को। हाँ स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट अगर आपको चाहिए तो आपको एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी, कहां से कहां पर के बीच में, ए टू बी के बीच में, ये स्ट्रेट लाइन आप ज्वाइन कर दोगे, ये रूट कितना होगा, टू डायरेक्ट बता सकते हो आर सभी बच्चे, रूट टू ये आर है, ये आर है, तो ये कितना रहेगा, रूट टू आर आर रहेगा, रूट टू आर रूट टू आर समझ गए रूट टू आर क्यों आया है। अरे यस हाँ या ना, हाँ सर क्योंकि तो समझ सिर्फ रूट गए टू यस सर आर है। हाँ समझ गए ओके, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे कितना हो गया बेटा, रूट टू आर के इक्वल हो गया। अब ए से लेकर सी तक के लिए बताओ, और एक ए से बार सी तक,
ए से सी तक टू आर 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 ना, तो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है ना ये, इसलिए क्या लिखोगे आप, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस है 1 बाई 2 इनटू 2 पाई आर, सो दिस इज इक्वल्स टू पाई आर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल और ऑब्जेक्ट एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट हियर, 2r, 2r, यस डिस्प्लेसमेंट इज 2r, राइट डिस्प्लेसमेंट है 2r है ना, ये डिस्प्लेसमेंट है सीधा सीधा ए से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है, सीधा सीधा डिस्टेंस, यही डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, समझ गए, दिस इज इक्वल्स टू 2r, क्लियर हो गया बेटा 2r डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद अब ए से बी, बी से सी और सी से डी तक कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो सेकंड वाला पार्ट है उसको मैं करेक्ट कर दूं, ए टू बी, हाँ ए टू बी और बी टू सी है बेटा, ठीक है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, कितना आ रहा है, कितना है 2πr/2, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2πr/3, 3/4 into 2πr लिखोगे डिस्टेंस के लिए, तो दैट कम्स आउट 2v3πr/2 बचेगा, हाँ या ना, अरे समझ गए 3/4 का मल्टीप्लाई क्यों किए सामने अपन ने, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा यहाँ पे, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज अगेन इट इज रूट टू आर, तो डिस्प्लेसमेंट इज रूट टू आर अगेन, इज इट क्लियर, और अगर आप पूरा एक राउंड ले ले रहे ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी से फिर वापिस आप ए पर आ गए, तो वॉट इज द डिस्टेंस कवर, 2πr आएगा डिस्टेंस, यस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, समझ गए अभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन, समझ गए कैलकुलेशन, समझ गए यहाँ पे सर, वो लास्ट दो समझ में नहीं है, लास्ट टू समझ में नहीं आए, ओके लास्ट के टू क्या नहीं आया बेटा समझ में आपको, लास्ट के टू जो है, हेलो लास्ट के टू कौन सा नहीं समझा सर, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ठीक है, देखो लास्ट के जो टू आपको देख रहा है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले, ठीक है जो लास्ट टू आपको दिख रहे हैं, थ्री बाई फोर क्यों लिखे आप काउंट करो जरा, कितने क्वाड्रेंट बन रहे, ए से बी तक एक क्वाड्रेंट हो गया, बी से सी सेकंड वाला हो गया, सी से डी थर्ड वाला हो गया, इसलिए किसका मल्टीप्लाई किया अपन ने सामने, पूरा सर्कमफ्रेंस का 3/4 हुआ ना, ये पूरे सर्कमफ्रेंस का 3/4 हुआ कि नहीं हुआ, हेलो पूरे सर्कमफ्रेंस का 3/4 हुआ ना, इसलिए आपने 3/4 का मल्टीप्लाई किया सर्कमफ्रेंस में, ओके और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ए से डी का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा वो कितना रहेगा, ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना रहेगा, ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखो बेटा कितना रहेगा, रूट टू आर रहेगा ना, अच्छा ये रूट टू आर क्यों बना वो समझे हो कि नहीं, वायलेट कलर वाले पेन का भी और रेड कलर वाले पेन का भी, समझ गए ट्रायंगल बनाना पाइथागोरस थ्योरम आपने लगा दिए उसके कैलकुलेशन के लिए, ठीक है समझ गए अभी, और लास्ट वाले में देखो ए से बी, बी से सी, सी से डी, आप कितना चलोगे यहाँ पे पूरा ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए, मतलब एक पूरा राउंड कम्प्लीट हो गया, और जब आपका पूरा एक राउंड कम्प्लीट हो गया तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया यहाँ पे 2πr, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हुआ ना डिस्प्लेसमेंट, अरे हाँ या ना, yes. अभी समझ गए कि नहीं, yes, sir. कोई डाउट अभी, नो सर, हाँ बोलो,
मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि वो रूट टू आर कैसे है। अच्छा तुमको अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, देख अगले पेज में दिखा हूँ। अभी इस पेज का स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग अभी ना, और आज की क्लास को सर थोड़ा रुको लिखना है, लिखना भी है ठीक है, रुको मैं आया। इसलिए जब आप ए से बी तक जा रहे हो तो आप पूरी सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट चल रहे हो ए से बी तक जाने में, ए से बी तक जाने में सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट चल रहे हो, देखो अभी ए से बी तक जाने में सर्कमफ्रेंस का कितना पार्ट है रेनुका, रेनुका आवाज आ रही बेटा रेनुका, हेलो